हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि बहुत लोगों का सपना होता है कि यूएसए से पीएचडी करें, तो आज हमारे साथ हैं आशीष परिहार सर, जो कि यूएसए से पीएचडी कर रहे हैं। तो आज आशीष सर हम लोगों को बताएंगे कि यूएसए से पीएचडी हम कैसे कर सकते हैं और वहां से पीएचडी करने के क्या क्या फायदे हैं। तो ये सारी जानकारी आज हमें आशीष सर बताएंगे। सो वेलकम सर, प्लीज थैंक यू। सर काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो माय नेम इज आशीष परिहार। आई एम करंटली सेकेंड ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन रटगर्स यूनिवर्सिटी, न्यू ब्रुंसविक, एंड आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एंड माय बैचलर्स इन केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज। सो दैट्स वेरी मच इट। ओके सर, सर मैं हम आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। सर मेरा क्वेश्चन पहला आपसे ये है कि यूएसए में पीएचडी एडमिशन हम कैसे कैसे ले सकते हैं, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके थ्रू हम यूएसए में पीएचडी कर सकते हैं। तो यूएसए में पीएचडी जो है वो यूरोप से थोड़ा अलग होता है। लाइक यूरोप में तुम प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हो, तो वो डायरेक्टली प्रोफेसर की फंडिंग के थ्रू तुम यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हो। लेकिन यूएसए में तुम्हें पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के लिए तुम्हें एग्जाम्स चाहिए, लेकिन लाइक जीआरई का एग्जाम चाहिए तुम्हें। जीआरई जनरल होता है, फिर जीआरई सब्जेक्ट होता है। लाइक जीआरई, मैं केमिस्ट्री से हूँ तो मेरे लिए जीआरई केमिस्ट्री होगा, और उसके बाद एक इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होगा, तुम्हें टॉइफल का एग्ज़ाम देना होगा। तीन ये एग्ज़ाम हो गए, और डिपेंड करता है तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो जीआरई केमिस्ट्री को वेव ऑफ करती हैं, लाइक तुम्हें नहीं देना होता। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो मतलब जीआरई भी वेव ऑफ करती हैं, लाइक तुम्हें वो भी नहीं देना होता है। तो वो डिपेंड करता है तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। तो ये तीन एग्ज़ाम, अगर तुम्हें लाइक 7-8 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भरनी है, तो ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ भरनी है, तो तुम ये कर सकते हो। लाइक तीनों एग्ज़ाम दे दो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तुम लाइक तुम्हारा स्कोर कैसा है कैसा नहीं है उसके अकॉर्डिंग तुम लाइक यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। पर तुम्हें यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक प्रोफेसर को तुम ईमेल कर सकते हो, लेकिन जी यूनिवर्सिटी सर, में डायरेक्ट जैसे कि एप्लीकेशन। सर लोग फॉरेन में अप्लाई तो कर देते हैं, बट अपने रिसर्च टॉपिक से एक बहुत बड़ा ये प्रोसेस भी कह सकते हो कि अपने रिसर्च टॉपिक से हम कैसे उस इंस्टीट्यूट को मैच करें जहां पे हमें पीएचडी करनी है। तो सबसे पहले लाइक ऐसा होता है कि तुम जिस रिसर्च, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हर प्रोफेसर, लाइक हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई तो प्रोफेसर होता ही है। लाइक अगर नहीं है तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है उस यूनिवर्सिटी में जाने का। एक तो ये पहली चीज है। और तुम्हें ऐसी यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूएस में जब तुम आते हो तो तुम्हें प्रोफेसर पहले से डिसाइड नहीं होता है, ये चीज नोट करने वाली है कि तुम्हें पहले से प्रोफेसर डिसाइड नहीं होता। तुम यूएस में आओगे, उसके बाद प्रोफेसर चूज करेंगे कि उनको कौन कौन से स्टूडेंट चाहिए, या तुम चूज करोगे कि तुम्हें कौन सा प्रोफेसर चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो तुम चूज करोगे वो तुम्हें मिलेगा या वो प्रोफेसर तुम्हें लेगा। तो इसलिए तुम ऐसी यूनिवर्सिटी एम करो जहां पे तुम्हारी फील्ड के 2-3 प्रोफेसर हो, ताकि तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट चॉइस ना भी मिले तो एटलीस्ट सेकेंड या थर्ड चॉइस तुम्हें मिल ही जाए। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज एम करो जिसके लाइक जो तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट है उसके वहां पर 3-4 प्रोफेसर हों एटलीस्ट, ताकि तुम वो रिसर्च कर सको। तो ऐसे तुम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। सर इसको हम लोग सर्च कैसे करेंगे? तो ये तुम ऐसा कर सकते हो कि लाइक पहले तो तुम यूनिवर्सिटी देख लो कि लाइक ये यूनिवर्सिटी है, मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर उनकी तुम फैकल्टी लिस्ट में जा सकते हो। फैकल्टी में उनका रिसर्च इंटरेस्ट दिया होता है हर फैकल्टी का, कि वो किस चीज़ पे काम करते हैं। तो वहां से तुम पता कर सकते हो कि जैसे कि मैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स में काम करता हूँ, तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स में काम करता हूँ तो देखूंगा कि किस किस कौन कौन सा प्रोफेसर ऑर्गेनोमेटेलिक्स में काम करता है, किस तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक्स में काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। लाइक प्रोफेसर के बायो उसमें लाइक फैकल्टी पेज पे, वहां पे तुम्हें ये सब मिल जाएगा, उसका रिसर्च इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके सर, जैसे कि सर बहुत लोग अब्रॉड में पीएचडी के लिए जाते हैं, तो उसके बेनिफिट्स, अब्रॉड से पीएचडी करने के बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं? बेनिफिट्स क्या होते हैं? लाइक मैंने इंडिया में भी काम किया है, यहाँ पे भी काम किया है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज ऑब्वियसली थोड़े मुझे तो ज्यादा ही लग रहे हैं। आई मीन मैंने इंडिया में 3-4 लैब्स में काम किया है, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर रिसोर्सेज ज्यादा लग रहे हैं। लाइक तुम किसी भी चीज़ की डिमांड करो तो वो झट से आ जाती है। लाइक तुम कोई भी मतलब लाइक यूएस में ऐसा मैं कहूँ तो लाइक
रिसर्च में पैसा बहुत लगाते हैं ये लोग, तो पैसा बहुत लगाते हैं तो तुम्हारे पास लाइक प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, तुम्हें जो भी चीज़ यूज करनी है वो तुम्हें झट से पहुंच जाती है वहां पर, तो ये एक बेटर बेटर ऑप्शन है। एंड द अदर थिंग इज लाइक ऑब्वियसली नाम भी होता है, अगर तुम यूएस से पीएचडी करते हो या किसी यूरोप से या जर्मनी वगैरह से पीएचडी करते हो तो नाम भी एक चीज़ होती है। एंड ये दो दो चीज़ें हैं, बाकी प्रोफेसर भी डिपेंड करता है, प्रोफेसर अगर तुम बहुत अच्छे प्रोफेसर के पास काम करते हो तो वो भी मैटर करता है, बाकी इंडिया में भी बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली। सर, स्टाइफन का कितना फर्क आता है? स्टाइपेंड ऐसा है कि डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, तो लेकिन ऐसा होता है कि लाइक तुम्हें यू कैन लिव ऑन योर ओन, तुम अपना लाइक खुद चला सकते हो, ऐसे तुम्हें घर से लेने की कोई जरूरत नहीं, इवन यू कैन सेंड द मनी होम इफ यू वांट टू। स्टाइपेंड तुम्हें ऐसा अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल जाता है, ओके लाइक सर, जरूरत नहीं जैसे होती घर कि से लाने की। सर जैसे एमएससी में प्रोजेक्ट वर्क होता है और इंटर्नशिप्स होती हैं, जो कैंडिडेट एमएससी में करते हैं, उसका क्या रोल होता है पीएचडी एडमिशन में? तो देखिए, रिसर्च इंटरेस्ट हमेशा रिक्वायर्ड होता है, लाइक ऑब्वियसली प्रोफेसर चाहेगा कि जिसकी लैब में तुम एंटर कर रहे हो कि एटलीस्ट तुम्हें पहले से कुछ आता हो, ऑब्वियसली प्रोफेसर वही चाहेगा कि तुम्हें पहले से कुछ आता हो, उसकी फील्ड के रिलेटेड तुमने पहले से कुछ काम किया हो या तुम्हें कुछ कुछ पहले से एक्सपीरियंस हो। एक दो इंटर्नशिप हो तो चल जाएगा, लाइक मेरे पास चार थे, चार प्रोजेक्ट थे मेरे पास, वो भी ठीक है अगर तुम, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास एक या दो प्रोजेक्ट थे, उनका भी हो रखा है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में हो जाता है। जरूरी नहीं है कि लाइक तुम्हारे पास बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी होनी चाहिए, हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कहीं पे होगा नहीं अगर तुम्हारे पास बहुत सारी इंटर्नशिप्स नहीं है तो एक दो इंटर्नशिप भी लाइक ठीक है, लेकिन लाइक अगर ज्यादा है तो और अच्छी बात है, पर ऐसे डिमोरलाइज नहीं होना है कि तुम्हारे पास इंटर्नशिप्स नहीं है तो तुम्हारा हो नहीं सकता, ये ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी मास्टर्स प्रोजेक्ट तो लोगों के पास होता ही है, तो तुम्हारे पास बस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी बहुत है, बाकी बहुत ज्यादा इंटर्नशिप है तो वो तो और भी अच्छा है। जी सर, जैसे कि यूएसए से आफ्टर अगर हम यूएसए से पीएचडी कर लेते हैं तो प्लेसमेंट्स कैसे कैसे होते हैं वहां से? तो प्लेसमेंट की बात की जाए तो लाइक तुम किस फील्ड में काम करते हो, उसके बाद तुम जॉब कहाँ पर करना चाहते हो, यूएस में ही जॉब करना चाहते हो या फिर वापस आना चाहते हो इंडिया में, डिपेंड बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, या तुम पोस्ट डॉक करना चाहते हो उसके बाद, तो तुम्हारे उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो पीएचडी में लाइक मेरा तो अभी अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि मैं पोस्ट डॉक करूंगा, तो पोस्ट डॉक तो तुम यहाँ से सीधा यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट डॉक्स मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता यहाँ पर, वेरी इजिली तुम्हें पोस्ट डॉक्स मिल जाएगा अगर तुमने पहले यूएस से ही पीएचडी कर रखी है तो। और अगर तुम्हें जॉब लेना है लाइक इसके बाद डायरेक्ट, तुम्हें पोस्ट डॉक नहीं करना, तुम्हें एकेडमिक फील्ड में नहीं जाना, तुम्हें सीधा जॉब करना है, जॉब करना है तो वो थोड़ा सा कंपेटिटिव होता है पोस्ट डॉक के कंपेरिजन में, लेकिन जरूर मिल ही जाता है, लाइक ऐसा वो नहीं है कि अगर तुम्हारा मन है जॉब करने का तो मिल ही जाएगा, अगर तुमने अपना अच्छे से पीएचडी में काम कर रखा है तो तुम्हें जॉब मिल ही जाएगा, कोई वो नहीं है, थोड़ा कम कम पैसे का मिलेगा लेकिन मिल ही जाएगा, कम एज इन लाइक इंडिया के कंपेरिजन में वो बहुत है, लेकिन लाइक जॉब मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को देखा है ऑलमोस्ट सबको जॉब मिलता है, अनलेस लाइक सिचुएशन जैसा अभी है कोविड का, तो अभी लोगों को थोड़ा जॉब्स कम मिल रहे हैं, लेकिन पहले जो मैंने जितने भी देखे हैं ऑलमोस्ट मिल ही जाता है लोगों को जॉब। जी सर, थैंक यू सर। अगर आप व्यूवर्स के साथ कुछ अपनी बात शेयर करना चाहें जो उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सके तो प्लीज शेयर करें सर। तो व्यूवर्स के साथ तो मैं यही कहूंगा कि लाइक अगर जिसको पीएचडी करने का मन है तो यूएस ट्राई कर सकता है, सो लाइक काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, तुम काम कर सकते हो, वैसा कुछ वो नहीं है, लाइक किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लाइक अगर तुम अच्छी लैब में जाते हो तो तुम अच्छा काम कर सकते हो, लाइक रिसोर्सेज अच्छे हैं, जस्ट तुम ऐसा चूज करना कि प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो तुम कोई भी ले सकते हो, दैट डजंट मैटर, बट प्रोफेसर अच्छे से चूज करना जो भी तुम चूज करोगे, क्योंकि प्रोफेसर इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन पीएचडी, तो तुम क्योंकि तुमने 5 साल देने अपनी पीएचडी को उसको, तो प्रोफेसर अच्छे से चूज करना जब तुम यहाँ पर आ जाओगे, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तुम प्रोफेसर अच्छे से चूज करना, एंड बाकी तो रिसर्च अच्छे से कर ही लोगे तुम, आई मीन स्टार्ट करोगे तो हो ही जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, पीएचडी इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट यू शुड हैव इंटरेस्ट इन इट, दैट्स इट। जी सर, ओके सर, थैंक यू, आपने अपना इतना इट्स ओके, ओके सर अपना आपने इतना अपना कीमती समय हमारे चैनल कॉम्पिटिशन विन कर दिया, सो थैंक यू सर, यू वेलकम। थैंक यू सर।
हैं।